भीषण गर्मी लोगों को बीमार करने लगी है। गर्मी का असर बच्चे, बुजुर्गों, युवाओं सभी पर पड़ रहा है। धूप में निकलने पर डिहाइड्रेशन और सिर दर्द की समस्या अधिक हो रही है। ऐसे में गर्मी से बचना बेहद ही जरूरी है। कुछ खास सावधानियां बरतकर गर्मी से होने वाली बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतना जरूरी है और मौजूदा समय जिला अस्पताल में किस मर्ज के ज्यादातर मरीज आ रहे हैं, अस्पताल में बेडों की कितनी उपलब्धता है और जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के इलाज के लिए क्या क्या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, इसे लेकर जिला चिकित्सालय सीतापुर के CMS डॉक्टर आर के सिंह ने आई इंडिया को जानकारी दी। देखिए, जिला चिकित्सालय सीतापुर में पिछले करीब जब से गर्मी बढ़ी है, पिछले 15 दिन से मरीजों की संख्या अचानक काफ़ी बढ़ गई है। प्रतिदिन हमारे OPD में नए और पुराने दोनों मरीज मिलाकर 3,000 से 3,500 की OPD हमारे यहाँ पर डे हो रही है। मरीजों के लिए हम लोग अपना त्वरित चिकित्सा के लिए बिल्कुल हम लोग तत्पर हैं और सरकार के निर्देशानुसार, सरकार की मंशा के अनुसार उनको हम लोग उपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। चिकित्सालय में दवा ऐसे हमारे यहाँ सारे काउंटर पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इंडोर मरीजों को भी सारी दवाई हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। गर्मी के मौसम के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इधर गर्मी काफ़ी बढ़ी है और ज़्यादातर मरीज हमारे डायरिया के आते हैं, उल्टी के आते हैं, फीवर के आते हैं, जो इमरजेंसी के द्वारा भर्ती किए जाते हैं और बहुत सारे इधर बच्चे भी आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि गर्मी को देखते हुए सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से निकले और जब भी निकले भरपूर मात्रा में पानी पिए और बीच बीच में अगर ORS का घोल लेना संभव तो ORS का घोल लेते रहें। गर्मी पूरा अपने ढक के चलिए, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनिए, छाते लगा के चलिए और अपना उससे आप बचे रहेंगे तो गर्मी का असर कम रहेगा, बीमारी से आप बच के रहेंगे। बच्चों के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि बच्चे देखिए, बच्चों में डिहाइड्रेशन का असर बहुत जल्दी होता है, बहुत ही आवश्यक होगा तभी उनको घर से बाहर दोपहर में लेके जाएं। पूरी तरह तौलिया से बच्चों को ढके रहें, बीच बीच में पानी पिलाते रहें और जरा भी बच्चे को अगर बुखार या बच्चा सुस्त नजर आता तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आप तुरंत उसको चिकित्सालय में लेके आइए ताकि उसको हम लोग भर्ती करके उसका इलाज शुरू कर सकें। देखिए, सीतापुर जनपद काफ़ी बड़ा है, हमारा लखीमपुर से मरीज आते हैं, शाहजहाँपुर के बॉर्डर के क्षेत्रों से मरीज आते हैं, काफ़ी जगह से हरिखला मरीज भी हमारे बहुत संख्या में आते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 213 बेड हमारे गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकृत हैं, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा बेड लगा करके 265 मरीजों के हम लोग इस समय चिकित्सा कर रहे हैं और बाकी जो और भी ज़्यादा मरीज होते हैं तो हम लोग उनको स्टेशन पर रख करके, बेंच पर करके उनको चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। और हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि कोई भी मरीज बिना चिकित्सा के चिकित्सालय से वापस न जाए। देखिए, प्रतिदिन हमारे अपना इमरजेंसी में 80 से लेकर 110 मरीज आजकल भर्ती हो रहे हैं और जो भी मरीज भर्ती होते हैं हम लोग त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। फिर भी कुछ मरीज अपने मन से यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ऐसा रेफर कर दीजिए, उनको हम लोग रेफर करते हैं। बाकी जो हमारे हेड इंजरी के मरीज आते हैं, जिनको चेस्ट इंजरी होती है, जिनके यहाँ पर डॉक्टर भी, उनको मुझे लखनऊ रेफर करना पड़ता है ताकि उनकी बेहतर चिकित्सा हम लोग उपलब्ध करा सकें। देखिए, डॉक्टर AK सिंह हमारे जो बच्चों के डॉक्टर हैं, पिछले एक मई से मेडिकल अवकाश पर हैं, उनके चलते OPD के लिए हमको काफ़ी समस्या आ रही है और वर्तमान में हमारे जो टेलीमेडिसिन के डॉक्टर हैं, जो मेडिकल ऑफिसर, उनके द्वारा हम लोग OPD चलाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग अपना कोशिश ये कर रहे हैं कि बेहतर बच्चों को कुछ चिकित्सा OPD से मिल जाए। इंडोर वाले बच्चों को हमारे लिए कोई समस्या नहीं, डॉक्टर त्रिपाठी हमारे वहाँ पर देखने के लिए हैं, उनको हम लोग इंडोर के मरीजों को, बच्चे जो हैं उनको हम लोग हमेशा बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। गर्मी से होने वाली बीमारियों का ही यह नतीजा है कि जिला चिकित्सालय की OPD में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। खास तौर पर अस्पताल में डायरिया, उल्टी, बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, इनमें बच्चों की संख्या भी कम नहीं रहती है। आलम यह है कि जिला चिकित्सालय में जो बेड उपलब्ध हैं वह कम पड़ जा रहे हैं और अस्पताल पहुँच रहे मरीजों को इलाज करवाने में भी पसीना छूटने लगा है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिला चिकित्सालय सीतापुर में प्रतिदिन 3,500 के आसपास मरीज पहुंच रहे हैं, जिससे अस्पताल के चिकित्सकों को मरीजों को देखने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ रहा है। जिला चिकित्सालय में वैसे तो 213 बेड ही हैं, मरीजों की बढ़ रही संख्या से दृष्टिगत अस्पताल की तरफ से 265 बेड मौजूदा समय तैयार किए गए हैं, जिन पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बेडों की संख्या कम होने की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।